साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों का स्वागत करता हूं कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की जो कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में। साथियों मैं आपको बता दूं, वैसे बहुत हवा बना रखा है इस चीज का कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी। यार यार तुम भगवान हो क्या, ये जो इतनी कट ऑफ पहले से बता रहे हो ये चीज तो मतलब मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी जहां तक मेरा आइडियाज है, जहां तक मेरा रिसर्च है, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, स्टूडेंट के बहुत भयंकर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मतलब इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बहुत से साथी बताते नहीं है, बहुत से सोचते हैं अरे यार इतने क्वेश्चन तो राइट हो ही जाएंगे, बहुत से सोचते हैं अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि अभी तो गलत होगा, ये सारी चीजें उसके मन में चलती रहती है लेकिन वो सही से नहीं बता पाता। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ जो है प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई कट ऑफ जाएगी। तो साथियों जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, 150 क्वेश्चन में से यहां पर मैंने निकाला है यानी कि 98 से 102 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस 5 भी हो सकते हैं, प्लस यानी कि माइनस 5 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो SST की कट ऑफ है, अनुमानित जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके आसपास ही रहने वाली है। इसलिए आप लोगों को निश्चित रहना चाहिए, रिजल्ट आएगा बहुत अभी तो उसमें 2 से 3 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा साथियों। तो आप ये सोचिए कि जो अभ्यर्थी जो 2 से 3 गुना जो पास होंगे क्या इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, नहीं जा सकती। लेकिन इतना हवा बना रखा है साथियों, इतनी बेकार बातें हो रही है कि मतलब स्टूडेंट जो है ना करे तो क्या करे। मैं इस समस्या में मतलब स्टूडेंट फंसा हुआ है यार, मेरा ये बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, किसी के इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसी के इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो ये बहुत भयंकर तरीके से असमंजस की स्थिति में स्टूडेंट चल रहा है साथियों। लेकिन आप लोग अगर ये स्कोर आप लोगों के बन रहा है तो आप निश्चित रहिए, अभी आप 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों में निश्चित रूप से आओगे, उसके बाद में भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं और वो नंबर में आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। तो साथियों मेरी शुभकामना है सभी को कि जिसके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं वो सारे विद्यार्थी, वो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं वो क्लियरली अभी कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो 98 से 102 के आसपास क्वेश्चन उसके अगर राइट हैं तो निश्चित रहे वो अभ्यर्थी कट ऑफ के बाहर नहीं है, वो कट ऑफ के अंदर ही रहेगा। यहां पर प्लस माइनस हो सकता है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहां पर प्लस माइनस की कैटेगरी में हो सकता है। और देखिए साथियों OBC के अंदर उसके 98 से 102 क्वेश्चन यानी कि 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है, ये कंफर्म है साथियों, 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है OBC और जनरल के अंदर। तो इसके बाद में SC है 95 से 98 के अंदर उसका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, किसके अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर। अरे यार आप कम से कम ये बात समझिए ना, कम से कम ये बात तो आपको पता है कि यार मतलब अभी कोई सामाजिक विज्ञान के बच्चे ने क्या संस्कृत का पेपर नहीं दिया होगा, हिंदी का पेपर नहीं दिया होगा, इंग्लिश का पेपर नहीं दिया होगा, उसके अगर वहां ज्यादा बन रहे होंगे और उसको उसी में जाना होगा तो उसी में जाएगा ना यार। तो ये कम से कम आप इतने तो बात समझिए कि एक स्टूडेंट ने डबल सब्जेक्ट से पेपर दिया है, जब डबल सब्जेक्ट से उसने पेपर दिया है और किसी सब्जेक्ट में 100% उसको लग रहा है मेरा इसमें हो जाएगा तो उसमें जाएगा वो, तो एक सब्जेक्ट की सीट तो उसकी खाली रहेगी ना। तो मतलब ये आप घबराने की जरूरत नहीं है, अभी से ही आप क्यों घबरा रहे हो भाई, अभी मत घबराइए आप और ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अगर आप सोचते हो ना तो 100% आपका सिलेक्शन होगा साथियों। इसलिए ध्यान रहेगा कि हमेशा पॉजिटिव सोच के काम कीजिए और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता की सीढ़ी पर जरूर चढ़ोगे, ठीक है। और ST वर्ग में जो साथियों 90 से 95 क्वेश्चन जिस बंदे के राइट है
यानी कि प्लस फाइव प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई सदस्य नहीं हूँ, कोई चेयरमैन नहीं हूँ साथियों, मैं भी आप लोगों को एक आइडिया ही बता सकता हूँ, लेकिन इसके आसपास ही क्वेश्चन अगर जिसके राइट है 100% वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अगर आपको कोई भी चैनल्स पर कुछ भी बताया जा रहा है इस पर आप विश्वास मत कीजिए, अभी ये कोई कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है, हर कोई बंदा अपने आइडिया शेयर करता है, इसी तरह से मैंने भी मेरे आइडिया शेयर किए, लेकिन इसके आसपास ही रहने वाली है और आप 100% सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे साथियों, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित रहिए, बस आगे की तैयारी कीजिए साथियों। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बहुत आने वाली है, सबसे ज्यादा वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है मैं आपको बता दूं, और जिस बंदे ने एमए बीएड किया हुआ है उस बंदे को फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को 100% बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी काव्य शास्त्र है और हिंदी भाषा है, या हिंदी इसमें जो काव्य ग्रामर है, व्याकरण है, इन सभी की तैयारी मैं मेरे यहाँ पर जो कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर कराने वाला हूँ, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कराऊंगा साथियों। एक भी क्वेश्चन अगर आपका उससे बाहर चला जाए तो मेरा नाम बदल देना, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल हर्ष और खुशी की बात मैं आपको यहाँ से कर रहा हूं कि आप निश्चित रहिएगा 100% आपका सिलेक्शन होगा साथियों। मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली न्यूज के साथ, अगले वीडियो के साथ।